कानपुर प्रखंड के सैदपुर और सोमनाहा के पीड़ित परिवारों से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुलाकात की। आपको बता दें कि यहां बच्ची से रेप का मामला सामने आया था, साथ ही सोमनाहा के पूर्व मुखिया की हत्या कर दी गई थी। वहीं यहां नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार अपराध के चंगुल में फंस गया है और शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। देखिए, आज उनके स्वार्थ और अहंकार के कारण शराबबंदी नीति समाज के हित में था, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं होने के कारण उनके प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्ट लोगों को अपने मन के अनुसार बैठाने के कारण पूरी तरह से फेल है। और आज उसका बड़ा खामियाजा, बिहार अपराध के पूरी तरह से चंगुल में फंस चुका है और उसमें शराब की बड़ी भूमिका है, इसलिए शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। समस्तीपुर जिले के अंतर्गत कल्याणपुर प्रखंड के सैदपुर और सोमनाहा के पीड़ित परिवारों से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुलाकात की। आपको बता दें कि यहां बच्ची से रेप का मामला सामने आया था, साथ ही सोमनाहा के पूर्व मुखिया की हत्या कर दी गई थी। वहीं यहां नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार अपराध के चंगुल में फंस गया है और शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। देखिए, आज उनके स्वार्थ और अहंकार के कारण शराबबंदी नीति समाज के हित में था, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं होने के कारण उनके प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्ट लोगों को अपने मन के अनुसार बैठाने के कारण पूरी तरह से फेल है। और आज उसका बड़ा खामियाजा, बिहार अपराध के पूरी तरह से चंगुल में फंस चुका है और उसमें शराब की बड़ी भूमिका है, इसलिए शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। समस्त